हेलो एवरीवन, और आज हम खड़े हैं टाटा की नेक्सोन के सामने। और इसमें ये आप जो देख रहे हैं ये एक्सी वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है, पर कहीं से लगता नहीं है ये कि बेस वेरिएंट है। हाँ, की इसकी ज़रूर ऐसी आती है नॉर्मल की जो पहले आती थी यार, इसमें किसी भी तरह की यार आपकी रिमोट की वगैरह सेंटर लुकिंग कुछ नहीं है, आप बाहर से लगवा सकते हो। बिल्कुल फ्रंट से बात करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं और ये आपको DRL भी मिलती है, जो टॉप मॉडल में सेटअप आता है ना वही आता है। और एक इधर आपका रिफ्लेक्टर है हाई बीम के लिए, इसमें आपको हेलोजन ही मिलते हैं। नीचे अगर बात करें ना तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह के फोग लैम्प्स वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, पर इंडिकेटर के लिए आपको ये यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में इसकी ह्यूमैनिटी ग्रिल मिलती है। और ये बेस मॉडल से भी आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे क्रोम मिल रहा है इसके ग्रिल के अराउंड। और नीचे इसमें भी ये पता नहीं किस तरह का डिज़ाइन दिया हुआ है, काफ़ी सही लग रहा है। बीच में टाटा का बड़ा सा लोगो और ऐसी कुछ दिखती है। पंच से तो बड़ी कार है तो पंच से बड़ी ही दिखेगी। यहाँ पे आपका ट्राई एरो डिज़ाइन जैसा ही यहाँ पे ये कुछ है बम्पर के ऊपर। बम्पर ये आपका थोड़ा बहुत तो जो है ये बॉडी कलर में है और थोड़ा बहुत आपका ब्लैकआउट ही है। यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए जगह, और ये नीचे आपका रेडिएटर भी दिख ही रहा है इसके अंदर, यहाँ से हॉर्न भी विजिबल है। बाकी अगर सामने से देखें तो कुछ इस तरह की दिख रही है। और ये कलर भी इसका नाम तो नहीं पता कलर का क्या है, पर ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बाकी बेस मॉडल है, बेस मॉडल से ही ORVM पे आपके टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि फेंडर वगैरह पे दिए गए हैं। और आपको इसमें जो व्हील्स मिलते हैं वो सेम मिलते हैं 195/60R16, और ये गुडियर के टायर हैं। बाकी व्हील्स में आपको ये स्टील रिम्स मिलेंगे, आपको इसमें किसी भी तरह के अलॉय व्हील्स या व्हील कैप कुछ नहीं मिलेंगे, आप बाहर से लगवा सकते हो। बाकी साइड से ओवरऑल कुछ कार इस तरह की दिखती है। पंच से तो लंबी भी है, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो स्क्रीन पे आ जाएगी, मुझे अभी पता नहीं है। और ये आपकी साइड बॉडी क्लैडिंग भी दी गई है यहाँ पे। बाकी आपको जो ये ORVM है और जो आपके ये डोर हैंडल्स हैं ये ब्लैक मिलते हैं, ये बॉडी कलर्ड नहीं मिलते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक भी अच्छे लग रहे हैं। पीछे से कुछ इस तरह की दिखती है आपको ये, इसमें आपको ये शायद LED मिलते हैं, मैं जला के दिखाऊंगा आपको। और इंडिकेटर के लिए भी मिल रहे हैं इधर आपको साइड में। और ये आपका डुअल टोन है, ये वाइट फिर ब्लैक, और फिर ये इसका जो बॉडी कलर है वो क्या है भाई पता नहीं इसका नाम। बीच में टाटा का लोगो, नीचे आपको नेक्सोन की ब्रांडिंग स्पेस दे दे के, यहाँ पे आपका भाई बूट खोलने के लिए आपकी की का ऑप्शन दिया गया है। मैं खोल के दिखाता हूँ आपको क्या दिक्कत है। ऐसे तो नहीं होता है। पीछे आपको जो इसमें बम्पर मिलता है वो बम्पर पूरा ही आपका ब्लैकआउट मिलता है। यहाँ पे आपको बेस मॉडल से रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं। और इधर आपको जो मिलते हैं ये मिलते हैं आपके रिफ्लेक्टर्स। तो अभी यार मैं कार आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, बाकी बाहर से कुछ ऐसी थी। यहाँ पे आपको किसी भी तरह की वाइपर या डिफोगर कुछ नहीं मिलता, आपको सिर्फ स्टॉप लैम्प ज़रूर मिलते हैं इस कार के अंदर। और यहाँ पे फिर से वोकल फॉर लोकल की पैचिंग, यहाँ पे ये देखो शायद शेर और शेरनी दिए गए हैं। ये मतलब टाटा की हर कार पे आपको मिलेगा, जैसे साइड में पंच में मैंने दिखाया था राइनो बना हुआ था, ये आपको इस कार में लाइन मिल रहा है। बाकी ऐसे ही इसमें कुछ ये DRLs जलती हैं जो काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। बेस मॉडल में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद DRL मिल रहे हैं, इससे अच्छा क्या ही लोगे यार आप। बाकी इंजन की अगर बात करें तो इंजन इसमें आता है आपका 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आता है। ये भी 3 सिलेंडर इंजन ही है, पर यार ये थोड़ा सा पावरफुल इंजन है। इसमें आपको 170 Nm का टॉर्क मिल जाता है और 108 BHP की पावर मिल जाती है। बाकी आपकी कोई भी सेंटर लॉकिंग या रिमोट की नहीं आती है, तो आपको इसको यहाँ से अनलॉक करना पड़ेगा और अनलॉक करने के बाद आपकी खुल जाएगी। अब ये डोर काफ़ी हैवी है और ये आपका 90 डिग्री तो नहीं है, पर फिर भी काफ़ी अच्छा स्पेस, आप आराम से जा सकते हो। अब बेस मॉडल है तो यार इसमें आपको 2 ही पावर विंडो मिलेंगी, ये ड्राइवर साइड और ये आपकी पैसेंजर साइड। इधर आपको खोलने के लिए भाई डोर ओपन करने के लिए आपका लीवर है, ये भी आपको ब्लैक ही मिलेगा। और इधर ये आपकी जो ORVMs को कंट्रोल करने के लिए ये लीवर दिया गया है, तो आपको मैनुअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी अभी यार आप सोच रहे हो भाई इतनी बड़ी गाड़ी है, ना सेंटर लॉकिंग है, ना चारों पावर विंडो है, ना जैसे ये वो ऑटोमेटिक है, पर यार ये बेस मॉडल है। तो बेस मॉडल जिस प्राइस पे आ रही है ये 8,24,000 के समथिंग है शायद इसका प्राइस, मैं स्क्रीन पे और आ जाएगा कंफर्म कर दूंगा। और जो इधर जो आप देख रहे हो ना ये पंच, इसका प्राइस है 9.5 लाख के समथिंग ऑन रोड, तो यार इससे करीबन 1 लाख सस्ती है। तो चलता है यार, एक तो बड़ी गाड़ी मिल रही है, अच्छा इंजन मिल रहा है, स्पेस अच्छा मिलेगा, मैं तो एनी डे इसे प्रेफर करूँगा। अगर मेरे पास 8 लाख रुपये हों, 9 लाख रुपये हों, तो इसको प्रेफर करूँगा। चलो अभी यार कार के अंदर चलते हैं, उससे पहले दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे रिक्लाइन एंगल के लिए भी
मिलते हैं। अब ये थोड़ी आगे हो गई, मैं पीछे करता हूँ और फिर आपसे अंदर मिलता हूँ। बाकी अभी यार हम इस कार के अंदर आ गए, तो इस कार के अंदर आपको ना किसी भी तरह के बटन वगैरह नहीं मिलते। हाँ, हॉर्न तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पर आपके इंफोटेनमेंट तो मिलता ही नहीं है, तो भाई कंट्रोल्स तो कहाँ से मिलेंगे। इधर आपको क्रूज़ वगैरह भी नहीं मिलते। बीच में टाटा का छोटा सा लोगो, वैसे छोटा सा दिख रहा है, वैसे बड़ा सा भी दिख रहा होगा पता नहीं, पर वैसे छोटा सा ही है। और ये बिल्कुल ब्लैक ही आता है ना, मैट फिनिश में है, ये लेदर रैप नहीं है, ये आपका नॉर्मल ही है। और इसके अंदर इधर आपको मिलते हैं ये हेडलाइट्स के कंट्रोल, इधर आपको मिलते हैं वाइपर के कंट्रोल्स, और ये आपके कुछ एसी वेंट्स, और की आपको इधर लगानी पड़ेगी। जैसे अब इसको ऑन करेंगे तो देखना एनिमेशंस, देख रहे हो यार, बेस मॉडल से ये चीज़ मिलना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आपको ये बीच के अंदर MID मिल रही है, इसमें आपके जो कितना किलोमीटर चल चुका है, इधर आपको फ्यूल वगैरह के बारे में दिखाएगा, एम्प्टी टू फुल इन सब चीज़ों के दिखाएगा, स्पीड भी आपको डिजिटली दिखाएगा। अब जैसे मेरे कार का ये वाला डोर ओपन है, तो यहाँ पे दिखा रहा है आपकी कार का ये डोर ओपन है। अभी जैसे मैं इसको बंद करता हूँ, एक मिनट फिनिश, बंद करते के साथ वो गया, शायद उधर का ओपन होगा तो उधर का दिखाएगा। देखो उधर का दिखा दिया, मतलब यार ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है इस कार में। और डोर्स भी काफ़ी हैवी हैं यार, ये कार वन ऑफ द सेफेस्ट कार में, इसको भी 5-स्टार रेटेड कार है। बाकी साइड के अंदर अगर हम आते हैं तो आपको कुछ ऐसी AC के वेंट्स मिलते हैं, ऊपर किसी भी तरह का म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलता है यार, आप बाहर से लगवा सकते हो। बेस मॉडल है तो यार ये सब चीज़ें तो थोड़ी सी नहीं एक्सपेक्ट करो तो अच्छी रहेंगी। बाकी नीचे आपको AC के कंट्रोल्स मिलते हैं, ये आपको इंजन इसके अंदर जो आता है वो 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन आता है, थोड़ा पावरफुल इंजन है, तो इसके अंदर 6-स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। और इधर आपको इसमें 3 मोड देते हैं, CT मोड, इको मोड, स्पोर्ट मोड। मतलब आप स्पोर्ट मोड में डालोगे तो इसके अंदर फुल जान आ जाएगी। CT मोड, आप CT के अंदर चला रहे हो, आपको थोड़ी बहुत पावर चाहिए तो आप उस हिसाब से CT मोड पे आप इसको कर सकते हो। और आपको इकोनॉमी मोड चाहिए, मतलब आपको थोड़ी सी भाई एवरेज वगैरह अच्छी चाहिए, तो आप इको मोड में करके इसको चला सकते हो। अब जैसे ही यार हम इसको मोड को चेंज करते हैं ना, आपको वहाँ पे पता चल जाता है कि आपका इको मोड है। जैसे अभी आपको यहाँ पे इको मोड है, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, पर देखना जैसे मैं इसको चेंज करूँगा, अभी आ गया स्पोर्ट मोड और अब ये आ जाएगा आपका CT मोड। तो मतलब आप अपने हिसाब से जैसे भी कंडीशन में आपको चलानी है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी टाइम इसके अंदर गलत हो रहा है, तो इन नोब है, यहाँ पे आपकी नोब दी हुई है, इनसे आपका ये सही हो जाएगा। 5:14 दिखा रहा है जो कि थोड़ा गलत है। बाकी ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ से खुलेगा, और यार ये भी काफ़ी बड़ा है, मतलब इसके अंदर भी आप काफ़ी अच्छा सामान रख सकते हो, काफ़ी ही स्पेशियस है। इधर आपको ये जो है ना, ये थोड़ा सा ग्लोसी फिनिश में मिल जाता है, और इधर आपको ये हार्ड प्लास्टिक ही है। और इस कार के अंदर भी आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं, एक आपको ड्राइवर साइड, एक आपको पैसेंजर साइड, और ऐसा कुछ ही दिखता है। बाकी ORVM आपको कुछ इस तरह का सा दिखता है, ये भी आपका मैनुअल ही है, मतलब आपको मैनुअली इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ऊपर आपको इसमें कुछ इस तरह से लाइट्स मिलती हैं, आप इनको अपने हिसाब से बंद कर सकते हो, पता नहीं हो रही अभी। इधर आप कुछ अपना सामान वामान रखना चाहो वो रख सकते हो, ये आपका कुछ कटआउट दिया हुआ है, ऐसे कुछ इसमें ये मिलते हैं आपके सनवाइज़र। इधर आपको इसमें वैनिटी मिरर भी मिलता है, शक्ल वक्ल देखने हो ना सही है उसके लिए। बाकी पंच की तरह इसका भी आपको पूरा बोनेट विजिबल है, तो आपको चलाने के अंदर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी आएगी, और आप काफ़ी इसको आराम से इजीली ड्राइव कर सकते हो। इधर आपको मैनुअल ही गियर बॉक्स मिलता है जैसे मैंने दिखाया, और मैनुअल ही आपको हैंड ब्रेक मिलता है। बाकी ऐसी कुछ सीट्स मिलते हैं, सीट्स मुझे यार इसकी ज़्यादा अच्छी लगी पंच से, सीट्स की कुशनिंग काफ़ी सही है यार, और पंच से थोड़ी सी कंफर्टेबल ज़्यादा लग रही है। इधर आपकी थोड़ी स्टोरेज स्पेस है, इधर भी आपको थोड़ा स्टोरेज स्पेस है, कुछ रख सकते हो। अभी चलते हैं इस कार में, आपको पीछे दिखाते हैं पीछे क्या क्या आपको चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या आपको नहीं मिलता है बताता हूँ। बाकी इस कार के अंदर आपको थोड़े बहुत इंसर्ट डुअल टोन के मिलेंगे, हर कलर के साथ अलग अलग। इसमें आपको ये वाइट मिल रहा है, और ये इस कलर के साथ काफ़ी सही कॉन्ट्रास्ट भी हो रहा है। बाकी ब्लैक होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अभी पीछे चलते हैं और पीछे के आपको दिखाता हूँ। अब पीछे इसके अंदर पावर विंडोज़ नहीं आती हैं, तो आपको ये मिलता है, आपको भाई हाथ से ही चढ़ानी उतारनी पड़ेगी, थोड़ा पुराना हो गया, हाथों की कसरत हो जाएगी। बाकी अंदर चलते हैं अभी हम इसमें और दिखाते हैं आपको। यार स्पेस तो बहुत ही भर भर के, मतलब देख रहे हो भाई, बहुत सही है यार। पंच को लेने का कोई रीज़न ही नहीं बचता यार। पंच का टॉप वेरियंट अगर कोई ले रहे हो ना, तो इसको ज़रूर देख लेना, थोड़े बहुत इसमें पैसे लगा के आप इसको टॉप मॉडल जैसा बनवा लोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर आपको यार किसी भी तरह के AC के वेंट्स नहीं मिलते, यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेस मिलती है, आप कुछ स्टोरेज वगैरह रख सकते हो। ये सीट बेल्ट्स मिल रही हैं, आगे की इसमें जो हेडरेस्ट हैं वो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, और इधर के जो आपको मिलते हैं ना वो मिलते हैं इसमें
फिक्स्ड हेड रेस्ट, तो ये किसी भी तरह से आप एडजस्ट नहीं कर सकते, इनको ऐसे ही रखना पड़ेगा। बाकी पीछे इसमें पार्शल ट्रे नहीं मिलती है और बूट तो काफ़ी बड़ा है इसका, मैं इसको दिखाता हूँ एक बार खोल के। और कार यार इसमें हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है, मतलब हाँ अच्छी कार है यार ये। चलो अभी एक बार आपको इसका बूट और एक्सेस करके दिखा देता हूँ। बाकी इधर भी आपको थोड़े ग्लोसी फिनिश मिलती है और ये आपका डोर काफ़ी हैवी है, जैसे कि कार काफ़ी सॉलिड है। यहाँ पे आपको ये भाई हाथों से चढ़ानी उतारनी पड़ेगी, है ना। चलो दिखाता हूँ एक बार मैं आपको पीछे। यहाँ पे आपकी स्पीकर के लिए जगह है, स्पीकर वगैरह कुछ नहीं आता, आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा। चलो एक बार आपको पीछे का और दिखाता हूँ। बाकी आपको बूट यहाँ से आप खोल सकते हैं और यार काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपको एक टायर मोबिलिटी किट, पंचर रिपेयर किट भी मिल जाती है और काफ़ी स्पेस वगैरह तो काफ़ी सही है। यहाँ पे आपकी पार्सल ट्रे नहीं आती, आप लगवा सकते हो बाहर से। बाकी यार यही थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो यार आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और देखो जैसे बंद नहीं हो रहा था अभी, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। बताना यार आपके पास 9 लाख रुपये होंगे तो ये पंच पे जाना पसंद करोगे या नेक्सॉन पे जाना पसंद करोगे। मैं तो आँख बंद करके नेक्सॉन पे जाना पसंद करूँगा, थोड़ा बहुत कुछ बाहर से जो चीज़ें करानी होंगी वो करा लूँगा, और भाई भाई मज़े आए इस कार के। बाकी अगर टाटा की किसी भी कार की कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं प्रीमियम मोटोकॉर्प नारनौल के नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, एंड आप उनसे बात कर सकते हो और किसी भी तरह की कोई जानकारी ले सकते हो।